चलिए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण या संकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले आपको कुछ बातें जो है याद रखना होगा, जैसे कि तत्व और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। देखिए बात क्या है ना कि पढ़ता वही है जिसके अंदर जुनून होता है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना कि जीत का जुनून सिर पर सवार हो चुका है। तो इस तत्व को और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सोडियम है, मैग्नेशियम है, ऐसे तो तत्वों की कुल संख्या 118 है, लेकिन आप लोग को इसमें से कुछ तत्व इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जानकारी रखना होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, ऐसे तत्व होंगे। ये सबके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको याद रखना है, जिससे कि सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में दो होगा, एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में तीन होगा, कार्बन के बाहरी कक्ष में चार होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में छह होता है, सल्फर के बाहरी कक्ष में भी छह होता है, एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में तीन होता है। एल्युमिनियम यहाँ दो बार लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो करना है ना। तो समस्या यहाँ लिखने में नहीं होना चाहिए, समस्या इसमें होना चाहिए कि याद क्यों नहीं है। यदि याद नहीं है तो याद करना है। और भी तत्व देख लेते हैं जो आ सकता है, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन के बाहरी कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन होंगे, सीएल के बाहरी कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, फास्फोरस के बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करेंगे कि जो बाहरी कक्ष में है यह कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इतना यदि आप याद कर जाते हैं तो बनाना तो आसान हो जाएगा, लेकिन इस बात को भी जान लेना जरूरी है कि आखिर कार्बन के बाहरी कक्ष में चार ही इलेक्ट्रॉन क्यों है। तो इसके लिए आपको ले चलते हैं बैक। बैक का मतलब यह है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उसमें भी के एल एम एन में तुरना आना चाहिए। तो चलिए इसको बताते हैं। के में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन को आप रख सकते हैं, एल में आठ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है के एल एम एन में। तो यहाँ देखो कार्बन जो है, कार्बन को यहाँ लिखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए, कार्बन का परमाणु संख्या है कितना, छह है ना। अब इसको जब आप सजाएंगे ना तो यहाँ देखो के में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इससे अधिक तो रख नहीं सकते है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जब हम रख दिए, अब यहाँ देखो छह में से जब दो रख दिए तो बच कितना गया, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि चार इलेक्ट्रॉन। तो जो बच गया उसको हम रख दिए। अब इसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हम आगे बढ़ सके या इसमें और रख सके। तो इसके लिए बाहरी कक्ष कौन सा है, एल है, एल में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना है, चार है, इसलिए कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना है, चार है। आगे भी देख लेते हैं, क्या पता कि ये जो है हम सही लिख दिए हो, कोई और गलत लिख दिए हो, आप ही बताओ ना किसका बना दिया जाए। पढ़ाई पर ध्यान दो है ना, इधर उधर घूमने से पढ़ाई नहीं होता है, मन लगाना पड़ता है। यहां देखते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम Mg, इसका परमाणु संख्या तो याद होना चाहिए 12 है। अब परमाणु संख्या जो 12 है इसको सजाओ ना, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होते हैं। अब के में यहां दो रख दो, जब हम यहाँ दो रख दिए, क्योंकि अधिकतम दो ही रख सकते हैं, पावर ही नहीं है इससे अधिक रखने का, तो अब एल में रखेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो 12 में से यहाँ दो रख दिए, अभी भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ रख चुके हैं, इसमें 8 से अधिक नहीं रख सकते हैं, 8 रख दिए, 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 यहाँ रख दिए, बच कितना गया, दो ही ना। अब देखो मैग्नीशियम के लिए बाहरी कक्षक कौन हुआ, एम हुआ, एम के कक्षक में मैग्नीशियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां मैग्नीशियम में दो लिखा गया।
ऐसे ही आप किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन संख्या जो है निकाल सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि जब तक निकालेंगे ना टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, और परीक्षा में ना एक एक सेकंड का कीमत होता है, उस कीमत को समझना है। तो उसके लिए इस सब निकालने से अच्छा है कि इसको याद ही क्यों नहीं कर जाए, है ना? याद नहीं है कोई बात नहीं, दोनों बात तो बता ही दिए कि निकालेंगे किसी से, आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यह बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या यदि हमको मालूम चल जाता है, याद कर लेते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? बात किया गया था हाइब्रिडाइजेशन का, बातों में कहीं हम तो फंसा नहीं रहे हैं, कितना बच्चा इसे सोचता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, इसको निकालेंगे कैसे। यदि बाहरी कक्ष में यौगिकों के लिए इलेक्ट्रॉनों का संख्या 2 से अधिक हो जाए, 8 से कम हो जाए, तो आपको भाग देना है 2 से। क्यों भाई भाग क्यों देना, ये बात बताएंगे ना बाद में, सब टेंशन आप ही ले लोगे, कुछ टेंशन तो हमारे ऊपर भी रहने दो। यहां देखो, 8 से यदि अधिक आ जाए, 56 से कम हो जाए, तब आपको भाग देना है 8 से। ठीक है, समझ गया। आगे देखो, यदि 56 से अधिक होता है ना, तो भाग देना है 18 से। यदि इस रूल का यदि आप पालन कर दिए ना, तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले है, फिर बल्ले बल्ले। या देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको SPDF की ही आवश्यकता होगी। इसमें करना क्या है कि आपको समझना है कि एस जो ऑर्बिटल है इसमें आप कितने कोष्टिका को बनाते हैं, एस ऑर्बिटल में कितने सबसेल हो सकते हैं। तो इसमें केवल एक सबसेल होता है, वैसे ही पी में कितना होता है, 3 होता है, डी में कितना होता है, 5 होता है, एफ में कितना होता है, 7 होता है, दो दो अंक बढ़ाया गया है ना, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। कहीं ऐसा तो नहीं है वीडियो देखते देखते आप बोर होने लगे? कोई बात नहीं भाई, दिमाग लगाओ पढ़ने में, यहां कोनो नाच गान तो चल नहीं रहा है कि आपको जो है हम आगे तो समझ ही रहे होंगे। तो पढ़ना है तो पढ़ने में तो मन लगाना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, इसे काम चलने वाला है नहीं। तो इसमें सब सेलों की संख्या यदि आप याद रखते हैं, इस रूल का पालन करते हैं, प्रसंस्करण चुटकियों में निकालेंगे। जिसे देखिए, यहां यदि है NaCl, अब कह दिया गया कि इसका प्रसंस्करण बताइए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि Na के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, तो यहां लिखे तो है Na के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, Cl के बाहरी कक्ष में कितना है, लिखे है 7 है, यहां 7 लिख दिया, 1 + 7 हो कितना गया, 8 हो गया। अब आपको कहे थे ना कि 2 से अधिक हो जाए, 8 से कम हो जाए, या 8 के बराबर भी हो या 56 के बराबर है, इसको भी ध्यान में रखना। यदि 8 से कम हो या इसके बराबर हो, तो भाग देना है कितना से, 2 से। अब देखिए, 8 में भाग देना है 2 से, भाग दे दिए, ये हो गया कैंसिल, भागफल आ गया 4। अब इसी को इसमें सजाने की आवश्यकता होती है। एस में कितने सबसेल होंगे, एक सबसेल, यहां 1 लिख दिया, एक ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है का, कोई फर्क नहीं होगा, तो एक ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत, 4 आया था भागफल, 1 हो गया ना, अभी भी तो बच गया 3, उसको क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस में रखना, पी में रखना, पी में रख दिया कितना, 3, 4 रखना था, एस में 1 हो गया, पी में 3 तो रख सकते हैं ना, तो यहां 3 रख दिए, यानी SP3। ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ किसका, NaCl का। कमाल करते हैं भाई, इतना आसान चीज है। अगर इस बात को हम ना समझ पाए ना,
फिर हम कहीं स्टूडेंट नहीं है, फिर तो हमको इस वीडियो के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। समझना है ना, वीडियो छोड़ करके आगे जाना नहीं है। क्या पता ऐसा वीडियो फिर आपको कहीं ना मिले खोजने के बाद भी, समझिए। अच्छा यहां देखिए, ये तो आप एनएससीएल का सीखे, दूसरा कंपाउंड लेता है CaOH का होल डिवाइस, इसका बनाते हैं। मजा आएगा बनाने में। अब CA के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं कि कैल्शियम के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां लिख दिए दो। फिर यहां प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन है कितना, दो गो है, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन है तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर प्लस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, सबको प्लस कर लेंगे। 12 दू 14 दू कितना, 16, 16 में भाग देना, आपको किससे भाग देना है, 16 में किससे भाग देना है, तो ये तो 8 से अधिक है ना। जब यह 8 से अधिक है तो आपको भाग देना होगा कितना से, 8 से, 8 से भाग दिए, 8 दूना 16 कैंसिल हो गया, वह मजा आ गया। अब इस दो इलेक्ट्रॉन को आपको सजाना है, एस में एक ही रख सकते हैं, एक से अधिक नहीं रखेंगे, पी में तीन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास है कितना, एस में एक रख दिया तो एक ही बचेगा ना, तो फिर पी में एक, यानी एसपी, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। और भी बन सकता है, तो सब हम ही थोड़ी ना बनाएंगे, कुछ तो दायित्व है कि आप लोग भी बनाओ। यहां यौगिकों का नाम देते हैं, आप लोग खुद से करके देखो, आपसे न होगा तब ना हम बनाएंगे। देखिए अल्मोनियम क्लोराइड है, ग्लूकोस है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसे अनेक यौगिक होंगे जिसको बनाना है। और जितना यौगिक है ना, सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, तो इस सब का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करें, बन रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम भी जानें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने हित मित्र जो भी है सबके पास शेयर करें, ताकि वो भी इस बात का जानकारी रख सके। चलिए, थैंक यू।